मौसम में आए अचानक बदलाव से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। वैसे तो जनवरी सबसे ठंडा महीना माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों में निकली चटक धूप के चलते लोग ठंड का आभास ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मंगलवार को अचानक बढ़ी गलन से पूरा शहर ठंड के आगोश में आ गया। गलन के साथ पछुआ हवाओं ने भी लोगों को कपकपा दिया है। इसके चलते अधिकतम तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुधवार इस वर्ष का सबसे ठंडा वाला दिन रहा। मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान जताया है कि गुरुवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सुबह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की तरफ हवाएं बहेंगी। सुबह 9 बजे के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ हवाएं चलेंगी। इनकी अधिकतम गति 5 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। फिलहाल ठंडक से बचने के लिए लोग जहां ऊनी वस्त्रों का सहारा ले रहे हैं, वहीं अलाव जलाकर भी ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसके संबंध में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि ठंडक से बचाव के लिए महानगर के प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही कंबल का वितरण भी किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, तो ठंडक बढ़ी है तो क्या व्यवस्था है? जी, 2-3 दिन से वातावरण में ठंडक बढ़ी है और तापमान काफी नीचे चला गया है। धूप नहीं निकल रही है तो नगर निगम भी सतर्क है, सजग है। और जहाँ जहाँ शहर में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जहाँ कहीं से नई मांग आ रही है, वहाँ भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तो कोशिश यह है कि ठंड से किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। कई लोग कभी कभी बाहर सोते हुए मिलते हैं तो हमारे कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश है और पुलिस विभाग की भी सहायता ली जा रही है कि ऐसे लोगों को कतई बाहर न सोने दें। हमारे रैन में से पूरी तरह से सुविधा युक्त है, वहाँ यहाँ तक कि गर्म पानी की सुविधा है, रजाई, कंबल, अच्छे बिस्तर, स्वच्छ वातावरण सब कुछ मौजूद है। तो ऐसे लोगों को वहाँ रैन बसेरे में ले जाया जाए, ऐसे निर्देश भी कर्मचारियों को दिए गए हैं। हमारा प्रयास ये है कि ठंड यद्यपि बढ़ रही है तो ये तो मौसम का मिजाज है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां हम कुछ कर सकते हैं वहां पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस ठंड में किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई बाहर न सोए, और यदि कोई बाहर आवश्यक कार्य से निकले तो जगह जगह पे वो अलाव जला रहे हैं ताकि उसको गर्मी का एहसास हो। सर, क्या कहें, इसको लेकर कुछ कंबल वितरण भी किया गया नगर निगम? जी हाँ, नगर निगम में 7,000 कंबल वितरण किए जा चुके हैं और आगामी दिनों में 5,000 कंबल और वितरित किए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार 12-13 हजार कंबल वितरित किए जाए। पिछले वर्ष 7,000 कंबल वितरित किए गए थे, इस बार 5,000 कंबल बढ़ाकर हम लोग वितरित कर रहे हैं। तो हर नीडी को, हर उस व्यक्ति को जिसकी जिसे इसकी आवश्यकता है, कंबल मिले, ये हमारा प्रयास है और हम निस्संदेह इस प्रयास में सफल होंगे। देखिए, मौसम जैसा कि पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं और एक व्यापक चेंज आया हुआ है, गलन ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी ये मौसम तकरीबन 3-4 दिनों तक इसी तरह से कंटिन्यू होने की संभावना मिल रही है। और जैसा कि अभी हमारे ऑफिस में अध्ययन जो किया गया है उसके अनुसार अभी 2-3 दिनों तक मौसम ऐसे ही रहेगा। तो ठंडक जिसे शाम के समय ठंडक ज़्यादा रहेगी, दिन में हो सकता है 1-2 दिनों के बाद हमें दिन में सूर्य देव के दर्शन हो तो ये उम्मीद है, लेकिन ठंडक किसी प्रकार अभी बरकरार रहेगी। ठंड को देखते हुए देखिए ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि हर स्थलों पर अलाव जलाया जाए, क्योंकि इस समय फेस्टिव सीजन चल रहा है। अभी गोरखपुर महोत्सव यहाँ पे आयोजित है, फिर उसके बाद अभी खिचड़ी मेले का भी आयोजन आज रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम और अन्य समस्त तहसीलों और इत्यादि के माध्यम से जगह जगह पर अलाव जलाए जाने की व्यवस्था इत्यादि सुनिश्चित कराई गई है।